आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने पेट्रोल डीजल की वृद्धि के विरोध में काला बिल्ला लगाकर किया झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। यदुवंशी समाज के लोगों ने अति पिछड़ा वर्ग में शामिल होने की मांग को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ बैठे एक दिवसीय धरने पे। बिजली की मांग को लेकर गोधर के ग्रामीणों ने बीसीसीएल के कांटा घर को किया घंटों जाम, हुआ ट्रांसपोर्टिंग ठप। और 80 हाईवा को ब्लैक लिस्टेड करने के विरोध में हाईवा मालिक एवं चालकों ने एमपीएल के मुख्य द्वार को किया जाम, हाईवा परिचालन हुआ ठप। और अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल के वैट में सरकार द्वारा किए जा रहे वृद्धि के निर्णय का विरोध होने लगा है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप के समक्ष काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कर सरकार द्वारा वैट वृद्धि के निर्णय का विरोध किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि सरकार का ये निर्णय न ही सरकार के हित में है और न ही जनता के हित में। इस फैसले से सरकार को ही नुकसान होगा। अब तक जहां 90 करोड़ रुपये राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्त होता था, वो इस निर्णय के बाद घटकर 75 करोड़ पर आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के खिलाफ आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, 26 तक विरोध प्रदर्शन होगा एवं आगे की रणनीति देवघर में होने वाले राज्य स्तरीय बैठक के बाद लिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह से बातें की। सरकार ने जो डीजल और पेट्रोल पे वैट वृद्धि का निर्णय लिया है, साथ में 1 रुपया सेस भी लगाया है, उसी के विरोध में आज ये काला बिल्ला हम लोगों ने आज से लगाना शुरू किया, ताकि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो और जो बढ़ोतरी हो रही है, होने वाली है, उस पर सरकार पुनर्विचार करके और इसको वापस ले, कम करे, क्योंकि इससे सरकार को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। उल्टा सरकार को राजस्व जो मिल रहा है 90 करोड़ रुपया प्रति माह डीजल के ऊपर में, वो घट करके जो हम लोगों का अनुमान है 75 करोड़ के आसपास आएगा। कम से कम 20 से 25% डीजल में बिक्री कम दर्ज की जाएगी लागू होने के बाद, ये हम लोगों का अनुमान है। तो इसीलिए आज से हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, 26 तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और 26 को पूरे झारखंड के डीलरों की बैठक है देवघर में, जिसमें कि निर्णय लिया जाएगा आगे की रणनीति के ऊपर। मुख्यमंत्री से मिल करके हम लोगों ने उनको सुझाव दिया था कि डीजल में वैट बढ़ाए बगैर किस प्रकार से राजस्व को और बढ़ाया जा सकता है। जो दूसरे प्रदेश से बड़े बड़े व्यवसायी डीजल की खपत कर रहे हैं ला करके यहाँ, उससे सरकार को प्रति माह कम से कम 12 से 14 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर सरकार एंट्री टैक्स लगाती है तो जो राजस्व चाहिए उनको वो उससे मिल सकता है बगैर जनता पे बोझ बढ़ाए। तो इसलिए बट सरकार हम लोगों से कोई बात भी नहीं की और बगैर बात किए उन्होंने टैक्स में वृद्धि कर दी, तो सिवाय आंदोलन के अब हमारे पास में कोई रास्ता बचा नहीं। आज धनबाद रणधीर वर्मा चौक धरना स्थल पर यदुवंशी मंच के बैनर तले यदुवंशी समाज द्वारा एक दिवसीय धरना दिया। धरना की अध्यक्षता मिथिलेश गोप कर रहे थे। धरना में मुख्य रूप से भाजपा नेता सुंदर यादव एवं जदयू के नेता रामस्वरूप यादव उपस्थित थे। धरना का मुख्य उद्देश्य यदुवंशी वंश द्वारा अति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित में एक में यदुवंशियों को शामिल करने और जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में ग्वाला के स्थान पर यादव गोप जाति के नाम प्रमाण पत्र निर्गत करने का था। वहीं इस संबंध में भाजपा नेता सुंदर यादव और जदयू नेता रामस्वरूप यादव से बातें की। ये 3 मुद्दा पर हम लोग आज धरना दे रहे हैं और आज नहीं, यह आंदोलन शुरू हो चुका, बोकारो में 10 तारीख को था, आज धनबाद में है। पूरे झारखंड में गोप समाज यादव समाज आंदोलन करेगा, क्योंकि यह समाज की स्थिति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से अत्यंत ही दयनीय है। कई 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 जिला में तो ऐसा भी है कि जो आदिवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो अहर्ता रखा गया आरक्षण का, उससे भी निम्न हम लोग हैं, लेकिन हम लोग आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इन्हें हम लोग का मांग है जियो से भी इसका बदतर हालत है,
आप भी आपके भाई सुंदर यादव जी बता रहे थे कि आप सरकारी स्कूल में जाइएगा तो चाहे तो हरिजन आदिवासी के बच्चे पढ़ते मिलते हैं या जादव के बच्चे मिलते हैं। मेहनत करने के लिए सबसे आगे है जादूवंशी मंच के माध्यम से हम करना चाहते हैं, चाहे जादव हो या गोप हो या ग्वाला हो या अहिर हो, जिनके नाम से संबोधन हो, मेहनत में सबसे आगे हैं और अपेक्षा में सबसे पीछे हैं। अगर कहीं बेनिफिट की बात होती है, सरकार के द्वारा मुहैया कराने की कोई सुविधा बात होती है तो इनके काट दिया जाता है। आज है निरक्षर वन से भी नीचे इसका बस्तर स्थिति है, जबकि निरक्षर वन में नहीं रख करके निरक्षर टू में रखा गया है। खास करके इन लोगों को जो बिहार था, संयुक्त बिहार में 27% आरक्षण था, अब जब झारखंड अलग हुआ तो यहाँ काट करके इसको 14% आरक्षण कर दिया गया है। तो ये जादव के साथ गोप के साथ में एकदम बिल्कुल अन्याय हो रहा है, खास करके झारखंड में। और इसके लिए संघर्ष लड़ाई हम लोग को शुरुआत हुआ है और सारे बात के बाद एक बात कहेंगे। आज कुसुंडा एरिया 6 के गोधर 9 नंबर 27 नंबर और 30 नंबर में पिछले 2 महीने से बिजली नहीं रहने से आज ग्रामीणों ने गोधर कांटा घर के सामने बीसीसीएल का ट्रांसपोर्टिंग कई घंटे ठप कर दिया और बीसीसीएल अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि बीसीसीएल मैनेजमेंट ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद आज तक नहीं लगाया है और पूछे जाने पर कहते हैं कि आप लोगों को बिजली नहीं दे सकते हैं। वहीं घंटों बाद ग्रामीणों और बीसीसीएल के अधिकारी के बीच वार्ता हुई और बिजली देने की आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। हमारे संवाददाता वरुण वैद ने ग्रामीणों से बातें की। ट्रांसफार्मर जल जाने का बाद हम लोग बोले थे कि 2 दिन में बना के दे देंगे। कब जला था ट्रांसफार्मर? 2 महीना पहले। 2 महीना पहले से ले गया। 2 महीना बोलता कि नहीं अभी बिजली नहीं देगी, बदलने दिया जाए। अभी चल रहा है परीक्षा, मैट्रिक परीक्षा, क्या परीक्षा, परीक्षा चल रहा है। इसमें यदि बिजली का नहीं देता है तो क्या परिस्थिति होगा लड़का लोग का जीवन? अभी कोई अधिकारी आए थे वार्ता में? क्या बात, एजीएम साहब आए थे? एजीएम साहब आए थे, जीएम से भी बात हुआ। कौन से? दूरभाष में बात हुई। वो बोले कि हम इसको चालू करिए, हम एक दिन में बात करके हम लोग इसको पूरा बिजली का व्यवस्था कर। अभी आप लोग धरना खत्म कर रहे हैं? धरना खत्म कर रहे हैं। जीएम साहब के आश्वासन से हम लोग पार्टी की तरफ से हम लोग बंदी किए थे। 2 महीना पहले ट्रांसफार्मर जो है कि जल गोधर 27 नंबर में ट्रांसफार्मर जल गया था, 9 नंबर का 30 नंबर भी, उससे प्रभावित तीनों क्षेत्र हुए और उनमें बोल दिया गया था। दत्ता साहब जो हमारे हैं वो बोले थे कि हम लोग 2-4-5 दिन में हम बना के आपको ट्रांसफार्मर दे देंगे। 1 महीना गुज जाने के बाद हम लोग बोले कि सर ट्रांसफार्मर दे दिया जाए, तो बोले नहीं, मैनेजमेंट का ऑर्डर है कि आप लोग को अतिक्रमण के तहत ट्रांसफार्मर को नहीं दिया जाएगा, बिजली काट दिया गया है। तो हम लोग बोले सर ये तो गलत है, बच्चे लोग का भविष्य अंधकार में है, बच्चा लोग एग्जाम दे रहा है, अभी मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, आप कम से कम 2-3 महीने के लिए भी दे दीजिए, उसके बाद हम लोग स्टेट गवर्नमेंट वाला बिजली देखेंगे। लेकिन ये किए नहीं, आज जो है अंतिम होके हम लोग को ये करना पड़ा। अभी दूरभाष में बात हुई जीएम साहब से, जीएम साहब आश्वस्त किए अभी कि शाम में आप आइए, आके बैठ के मैं 2-3 महीने का बिजली का व्यवस्था करता हूँ, आप लोग आराम से पहले स्ट्राइक को तोड़िए। तो हम लोग उनके आश्वासन से स्ट्राइक को तोड़ दिए। आज केंदुआ हटिया पट्टी में 24 घंटे अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में कीर्तन स्थल से 251 कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं और बच्चियों ने अपने माथे पे कलश लेकर केंदुआ बाजार के सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया। वहीं इस कलश यात्रा में केंदुआ बाजार के दर्जनों व्यवसायी गण भी उपस्थित थे। कल इस अखंड कीर्तन की पूर्णावति एवं विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया है। हमारे संवाददाता वरुण वैद ने श्रद्धालुओं से बातें की और इसी तिथि को बराबर अखंड रामायण जो है यह अखंड हरि कीर्तन का पाठ होता है 24 घंटा के लिए, और उसके बाद 5 बजे पूर्णावति है और 6 बजे से विशाल भंडारा
जितने भी भक्त हैं किस जगह पे होते हैं? ये केंदुआ हड़िया पट्टी में, केंदुआ हटिया हड़िया पट्टी कीर्तन किया गया हुआ है। हर साल के भारतीय साल भी पैसा जुलूस के निकाला गया है। तमाम भक्त आपके बीच में आए हुए हैं और भंडारा के साथ चौबीस घंटा निमियाघाट थाना क्षेत्र के पारसनाथ स्टेशन स्थित बैंक ऑफ इंडिया इसरी शाखा के एटीएम में घुसकर कैंसिल बटन पर फेविक्विक डालकर राशि उड़ाने के चक्कर में था, जहां गार्ड के सूचना पर निमियाघाट पुलिस मौके पर पहुंचकर अपराधी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। मामला रेल परिसर का था, इसके लिए थाना द्वारा गोमो जीआरपी को सूचित किया गया, जहां जीआरपी गोमो के रेल अंचल इंस्पेक्टर चंद्रभूषण सिंह एवं एसआई संजय मिर्ज अपने साथ गोमो ले गई। वहीं बताया गया कि एटीएम के वीडियो फुटेज की जांच कर मामले की तहकीकात कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अपराधी बिहार के गया जिला के फतेहपुर थाना पहाड़पुर निवासी रामबलि शर्मा का पुत्र विकास कुमार है। यस सर। सर किस मामले में इस युवक को लेकर जा रहे हैं? सर पारसनाथ स्टेशन के पास जो एटीएम है बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें फेविक्विक डाल कर करके वहाँ के गार्ड के साथ में गाली गलौज किया, भागने लगा। उसमें गार्ड लोग पकड़ कर करके इसको बगल के एटीएम में बंद किया। फिर थाने को खबर दी गई, थानेदार यहाँ से गए निमिया घाट के और उन्होंने फिर हम लोग को खबर किया। उसके बाद उसी के आरोप में इसको हम लोग लेकर के जा रहे हैं। सर इस पर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? सर आगे इस पर केस होगा, केस होने के बाद फिर जो अनुसंधान में बात आती है वो अनुसंधान की जाएगी। सर आपके क्या दायित्व है? आपका दायित्व क्या है, मतलब आप क्या है? क्या है? हम गोमो जीआरपी के इंस्पेक्टर हुए, चंद्रभूषण प्रसाद सिंह मेरा नाम हुआ। धन्यवाद सर। बोलिए। कल शाम में पारसनाथ रेलवे स्टेशन परिसर के एटीएम में एक युवक को एटीएम गार्ड फेविक्विक लगा करके एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने के आरोप में पकड़ा है। पकड़ाए युवक का नाम विकास कुमार है, जो गया पहाड़पुर का रहने वाला है। ये मामला जीआरपी थाना क्षेत्र का है, इसलिए जीआरपी को एफआईआर और आगे की कार्रवाई के लिए लड़के को सुपुर्द किया जा रहा है। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबर के साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज रणधीर वर्मा चौक के मुख्य मार्ग पे के पॉलिटेक्निक एवं विश्व सरैया आईटीसी के छात्रों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि दो साल से हम लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है, इसी को लेकर आज डीसी के पास गए थे, लेकिन उन्होंने भी उचित आश्वासन नहीं दिया, इसलिए हम लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना था कि यदि हम लोगों को दो साल का छात्रवृत्ति जल्द से जल्द दिया जाए, नहीं तो 10 मार्च से अनशन पर बैठ जाएंगे। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने के पॉलिटेक्निक के छात्रों से बातें की। आरक्षित वर्ग के छात्र आप सभी जानते हैं कि पिछड़े तबके से आते हैं। एक गरीब को आश्वासन देना कि आपको हम आईटीआई बीटेक और पॉलिटेक्निक की डिग्री देंगे, इसके लिए एक राशि प्रदान करेंगे ताकि आप समुचित ढंग से पढ़ सको, लेकिन दो साल में लोग घर बेच करके जमीन बेच करके सूद पर पैसा लेकर के कॉलेज को भर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। या तो सरकार पैसा दे या तो आश्वासन ना दे ताकि हम लोग ऐसे कॉलेज में नाम न लिखाए जहां पर कि पढ़ने के बाद हम लोग को घर बेच करके पैसा देना पड़ रहा है, सूद पर पैसा देकर पड़ रहा है। हमारा नाम टेलीकम्युनिकेशन में आईटीआई पे सब में डाला हुआ कि हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, अलाउड है, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। डीसी साहब कहते हैं जांच करेंगे और दो साल से सिर्फ जांच के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को आश्वासन नहीं, काम चाहिए, वरना 10 तारीख तक हम लोग इंतजार करेंगे और 10 मार्च के बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। कई लड़के हैं जो कि कहते हैं कि गार्जियन बोलते हैं कि तुम्हारा नाम वेबसाइट पे तुम लोग को पैसा मिल चुका है, अब या तो हमें पैसा दे या तो फिर जान से मरने के लिए छोड़ दे। हम लोग आत्मदाह भी करेंगे, साइड भी करेंगे अगर किसी इस पर जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लेंगे। हम लोग अभी अपना बात उनके पास पहुंचाने के लिए गए थे, उनके सामने बात रखे, उन्होंने पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पूरी जांच फिर से करेंगे और फिर से 1.5-2 साल लगेगा या
कई साल लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जांच करने के बाद आप लोगों को जवाब देंगे और मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जबकि हम लोगों को पहले पैसा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलता था, और आज स्कॉलरशिप मिलना 2 साल से बंद है। और विभाग के जेके पॉलिटेक्निक के प्रचार वगैरह कहते हैं कि पैसा भरो नहीं तो नाम काट के भगा देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोगों या तो पैसा मिलना चाहिए या तो फिर आप रोड पे ही उतरेंगे। सोमवार को शाम धनबाद स्टेशन से धनसार थाना की पुलिस ने जेएमएम नेता जेपी वारिया को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि कल जेपी वारिया रांची विधानसभा के समक्ष धनबाद डीएसपी अमित कुमार के खिलाफ धरना पर बैठे थे। शाम में रांची से धनबाद आए उसी वक्त धनसार थाना के पुलिस ने वारिया को गिरफ्तार कर लिया। धनसार थाना प्रभारी का कहना है कि वारिया के खिलाफ पहले से मारपीट, छेड़खानी व अन्य कई मामले दर्ज हैं, इसी को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आज जेपी वारिया को धनसार पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने जेपी वारिया के वकील से बातें की। अधिकारी का नाम इसमें आ रहा है, जरा नाम बताएं। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी के नाम के बारे में जो आप बोलेंगे उनके लिए 2-3 केस भी फाइल हो चुका है उनके अगेंस्ट में, लेकिन अभी उनके बारे में कुछ बोलना इसलिए उचित नहीं हुआ कि उनके अगेंस्ट में किसी तरह का कोर्ट का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये हमारा और वालिया जी का कथन है। कल कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, तो कि हम उनके अगेंस्ट में कुछ कर पाए। कल वालिया जी ने कुछ किया था? कल वालिया जी ने है सो यहाँ के पुलिस प्रशासन के खिलाफ ऐसा धरना दिया था विधानसभा के सामने, विधानसभा ना? हाँ, विधानसभा, विधानसभा के सामने। उसके बाद है सो प्रशासन को लगी होगी बेचैनी, बस से उतरा था अरेस्ट, बेचैनी लगी होगी कि भाई ये अभी ये मामले को और आगे बढ़ा रहा है, अरेस्ट कर लो सीधा। नाम का खुलासा आप नहीं करना चाहते? देखिए, नाम का खुलासा वाली जो बात बोलिएगा, इनके जो मेन अभियुक्त हैं प्रज्ञा प्रिया, मतलब इनके मेन अपोजिट, उनके बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके खिलाफ बहुत सारे केस में कॉग्निजेंस हो चुका है, बहुत सारे केस में वो अभियुक्त हैं, वारंट हुआ, बेल लिया, तो वो पुलिस के नज़र में है। जिस अधिकारी के बारे में बोल रहे हैं उनके अगेंस्ट में अभी तक कॉग्निजेंस भी नहीं हो पाया है। मेरी बात को समझ रहे हैं? बेसिकली अभी आधे घंटे पहले लाएंगे, पेशी के बाद, पेशी, यहाँ पेशी होगा कंसर्न कोर्ट में, उसके बाद ही विल बी फॉरवर्डेड टू जुडिशियल कस्टडी। वहीं इस संबंध में जेपी वारिया से भी बातें की। ये देखिए, एक मिसयूज का मेरा वारंट था, और पुलिस कल जाने के समझ लीजिए स्टेशन में, मैं जब रांची से धरना देकर लौट रहा था डीएसपी के खिलाफ में, तो डीएसपी ने एक साजिश के तहत बैंक मोड़ थाना के इंस्पेक्टर को भेज करके मुझे गिरफ्तार करवा लिया, और जबकि मेरा एक डेट में मिसयूज है, और यूं लगा के जैसे कितना बड़ा उग्रवादी को पकड़ने जा रहा है। इसका कारण यह है कि धनबाद में डीएसपी जो है सेक्स रैकेट चलवा रहा है, हीरोइन बिचवा रहा है, जाली नोट का धंधा करवा रहा है। हमने इसके खिलाफ में मुकदमा कर रखा है जो धनबाद न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय ने इस पर FIR करने का आदेश दिया है, मगर FIR इसलिए नहीं हो रहा है कि डीएसपी यहाँ विराजमान है, आपको अमित कुमार जो है यहाँ गुंडा शासन चला रहा है और निर्दोष आदमी को जेल भेज रहा है। हम लोग क्या गुंडा बदमाश है? हम लोग धरना पर क्यों बैठे? हम लोग डीएसपी के खिलाफ बैठे हैं कि डीएसपी का जांच होना चाहिए। डीएसपी यहाँ पर जो है साला हीरोइन और जाली नोट का धंधा करवा रहा है, और इंडियन मुजाहिदीन के एजेंटों को यहाँ संपर्क संरक्षण दिए हुए। एक दिन वो धरना से उठ गए, हम लोग इसलिए उठ गए कि हम लोग को वहाँ आश्वासन दिया गया, वहाँ हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप जाइए, 3 दिन का हमको टाइम चाहिए, इसके बाद में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो पूरी जांच है वो होगी। और आश्वासन किसने दिया था? आश्वासन किसने दिया? वहाँ का क्राइम ब्रांच के आदमियों ने दिया कि आप उठ जाइए, हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री को भेज दिए हैं, आवेदन हमने मुख्यमंत्री को भी दिया है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, धनबाद के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। ये गुंडा शासन, पुलिस गुंडा शासन वर्दी पहन के गुंडागर्दी करेगी, हम लोग बर्दाश्त करेंगे? क्यों बर्दाश्त करेंगे? हम लोग क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं? हमने एक सेक्स वर्कर के खिलाफ में आवाज उठाया, धनबाद के लोग उसको जानते हैं कि वो सेक्स रैकेट चलाती है, और मैंने अगर उसको किराया तो डीएसपी उसके साथ सूट करके मेरे ऊपर FIR कर दिया। क्यों कर दिया? एक तरफ ये कार्रवाई किया गया, जबकि मैंने भी डीएसपी पर कार्रवाई के लिए किया है कोर्ट में। कोर्ट अब इस पर क्या करता है? कोर्ट ने FIR करने का आदेश दिया है, हमने रिमाइंडर दिया है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर डीएसपी अपने आप को कानून का बहुत समझ रहा है तो हम लोग जनता के साथ मिलकर के लड़ेंगे डीएसपी के खिलाफ। निरसा थाना अंतर्गत स्थित MPL के मुख गेट को विस्थापित और हाईवा मालिक ने जाम कर दिया।
एक तरफ जहां जिला प्रशासन का आदेश है कि एमपीएल में लगे हुए हाइबा की रफ्तार ग्रामीण सड़क पर 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो और कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, उसी निर्देशों का पालन करते हुए एमपीएल ने 80 हाइबा को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। हाइबा मालिक सब विस्थापितों ने मेन गेट को जाम कर दिया, जिसके बाद हाइबा का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया और सड़क पर हाइबा की लंबी कतार लगनी शुरू हो गया। मीडिया से बात करते हुए हाइबा मालिक सब विस्थापित ने कहा कि हाइबा मालिक सहित कुछ विस्थापित एमपीएल से वार्ता करने गए, लेकिन अधिकारी ने वार्ता करने से साफ इनकार कर दिया। हाइबा मालिक ने गाड़ी की तेज रफ्तार को गलत बताया और कहा कि एमपीएल अपनी मनमानी कर रहा है और हमेशा किसी न किसी कारण जुर्माना वसूलता है, जिसकी कोई रसीद गाड़ी मालिक को नहीं दी जाती है। हाइबा मालिक की मांग है कि किस कारण से हाइबा को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, वो कारण बताया जाए। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में हाइबा मालिक सब विस्थापित से बातें की। हमारा करीब करीब 80 हाइबा को लोग कर दिया, क्या ब्लैकलिस्ट कर दिया, समझे ना। तो हमारा मालिक लोग उससे बात करने गया कि हमारा जो हाइबा का जो ब्लैक किए किस भी ब्लैक किए हैं, ये लोग बोला कि आपका हाइबा का स्पीड ज्यादा है, इसके लिए ब्लैक के मालिक को इन्फॉर्म कहने किए हैं, इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये सब के लिए आज सुबह हम लोग यहाँ बात करने के लिए कोल लॉजिस्टिक, तो वहाँ जो प्रधान है आर के सिंह थाने प्रधान जो है, उनका बिहेवियर इतना खराब था, वो बोला कि आप लोग से बात नहीं करेंगे, आप लोग जाके ट्रांसफर से बात कीजिए। तो हम लोग बोला हम लोग यहाँ का विस्थापित है, आप चीफ पेट्रोल है, तो उससे बात क्या करने जाएंगे, आप बैठ के मालिक लोग क्या दिक्कत है, बैठ के ऐसा कीजिए कि दोनों तरफ ठीक रहेगा, हाइबा भी चलेगा, आपका भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा मांग है कि आप जो ब्लैकलिस्ट किए हैं, हमारा फॉल्ट क्या है, जब से हमारे जीपीओ लगाता है ना कोयला में, तो कोयला में मानी चारों ट्रांसपोर्टर में कोयला गाड़ी चलता है, ई भी काट लेता है जीपीओ का पैसा, वो भी काट लेता है, वो भी काट तीनों काट लेता है। तो जब हमारा मालिक अपोज करता है क्यों काटते हैं, तो बोलते हैं इसको रेक्टिफाई कर देंगे, कर देंगे, कुछ प्रूफ नहीं देता है। अगर किसी का लाइट खराब है तो उसका पैसा काट दिया, उसका कोई प्रूफ नहीं देता है। तो मालिक लोग का कहना है कि जो भी आप काटिए हमको स्लिप दीजिए, हमारा क्या फॉल्ट दिखाइए। तो इसका हम बोला कि एक्ट को बैठ के आप लोग सब में सलापास कर लीजिए, कैसे ठीक रहेगा। तो बात करने राजी नहीं है लोकल लॉजिस्टिक आदमी, हमारी हम जमीन दिए हैं, हमारा हाइवा नहीं चलेगा, बाहर का हाइवा चलेगा, हम मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। धनबाद स्थित बुली आरा मोड़ रेलवे ट्रैक पार करने के क्रम में सुबह 6 बजे एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि मृतक अपने साथी के साथ ट्रैक पार कर रहा था, वहीं एक व्यक्ति पार कर गया और दूसरा व्यक्ति पार कर ही रहा था कि गोमो की ओर से आ रही ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं हमारे संवाददाता दीपक परमाणिक ने स्थानीय लोगों से बातें की। तो ये तो कोयला वाले, दो कोयले वाले थे, एक तो साइकिल से लिया हुआ था और एक ये था, तो और ये पार कर रहा था, शायद एक पार कर चुका था और ये पीछे से पार कर रहा था, तो अचानक ट्रेन आया, अगला पार कर गया, ये पार करते करते टकराया, वहाँ टकरा के उधर चला गया। नहीं बोला कोई कोयला वाला था, समझ गया, वही तो बोले कोयला वाला था, वो पार कर रहा, एक पार कर गया, दूसरा पार कर रहा था तो टकरा के उसका सिर फट गया और वो लाइन के किनारे। क्या नाम है आपका? खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वासेपुर वार्ड नंबर 18 के पार्षद प्रतिनिधि निसार आलम के नेतृत्व में नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसमें आसनसोल के टीम आए हुए थे। वहीं स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिए, करीब 100 लोगों ने अपने नेत्र का जांच करवाया। वहीं हमारे संवाददाता दीपक परमाणिक ने वार्ड नंबर 18 के पार्षद प्रतिनिधि निशार आलम से बातें की। वासेपुर वेलफेयर पीस सोसाइटी के तरफ से हम लोग जो आए कैंप लगाए हैं, इसमें अभी तक के 90 पेशेंट हम लोग देखे हैं और ये जो टीम जो है हमारे आई हॉस्पिटल आपका आसनसोल का टीम आए हुए है और ये लोग अभी तक के 90 पेशेंट को देखा गया, जिसमें मोतियाबिंद जिसका थोड़ा बहुत अगर आँख में खराबी है उसको यही हम लोग देख ले रहे हैं, जिसका ज़्यादा ही है वहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा और हेल्थ कार्ड अगर जिसका बना हुआ सरकार की तरफ से उसका जो भी खर्चा हो, आने जाने का जो भी खर्चा हो, सब जो है हॉस्पिटल की तरफ से। भूमि अधिग्रहण विल संशोधन अध्यादेश के खिलाफ कल से अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। वहीं आज धनबाद रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर अन्ना हजारे के समर्थन में धनबाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने एक दिवसीय धरना दिया।
अन्ना कुल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना कुल संघर्ष करो। धरना की अध्यक्षता कृष्णलाल रुंगटा कर रहे थे। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्यों से बातें की। धरना देंगे और उसी के समर्थन में हम एक दिवसीय धरने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। मित्रों, आप सबको पता है कि पिछले कांग्रेस के शासन को यदि आप देखें तो भूमि लूट एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रश्न बना था और उस भूमि लूट में उद्योग जगत के लोग, कॉर्पोरेट हाउस के लोग और रियल इस्टेट के लोग शामिल थे और इस बिल के पारित होने के पहले तक बराबर सरकार ताकत के बल पर किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर लेती थी, उनको मुआवजा और न्याय भी नहीं मिल पाता था। लेकिन यह पहली बार पूरे राष्ट्र में पिछले दो दशक से चल रहे आंदोलन के बाद इस प्रकार का एक बिल पारित हुआ और किसानों को लगा कि नहीं, सचमुच अब इस भूमि के मालिक हम हैं, राज्य सरकार नहीं है और वह मनमानी हमारे साथ नहीं कर पाएगी। लेकिन आज जैसे ही यह नई सरकार आई, उन्होंने इस पर बिना किसी चर्चा किए एक अध्यादेश के माध्यम से और उन सारे कानूनों को जिससे कि किसान लाभान्वित हो रहे थे, किसानों के हितों की। झारखंड में अध्यादेश वापस लेने बीसीसीएल साजिश के तहत झरिया को उजाड़ना चाहती है। झारखंड में वेट लागू कर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, उस पर रोक लगाने की मांग को लेकर सीपीआईएम ने आज झरिया प्रखंड कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना दिया। अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वापस लो, वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारे संवाददाता ने सीपीआईएम के नेता एसके बख्शी से बातें की। का जो कार्यक्रम है झरिया वीडियो के सामने सीपीआईएम की ओर से हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें पहला मुद्दा तो है झरिया बचाओ। झरिया ऐतिहासिक शहर है और मोदी जी दुनिया में स्मार्ट सिटी बन रहा है और झरिया को दो साल के अंदर में अंडरग्राउंड सिटी हो जाएगा। ये जो आज हमारे सामने कठिनाई आ रहा है, चारों ओर में झरिया लोग आशाहीन हो रहे हैं, चौतरफा आग हो रहे हैं और झरिया का राजा अखबार में बोला कि हमारा गढ़ भी खतरा में है। तो इसमें ये हमारा मुद्दा है कि झरिया को आग भूचरण से बचाना होगा। झरिया को एक बड़ा शहर जो ऐतिहासिक शहर था उसका भविष्य को सुरक्षित करना होगा। दूसरा, चारों तरफ जंजाल है, सफाई नहीं होता है, बिजली नहीं है शहर में, ये सब भी समस्या है। साथ साथ हमारा सामने जो बड़ा समस्या है, अभी जो आपका भूमि अध्यादेश लैंड रिफॉर्म एक्ट इसको ऑर्डिनेंस के जरिए पार्लियामेंट में लाता नहीं है, इसीलिए हम लोग देश भर में ये लैंड का खिलाफ में ये जो ऑर्डिनेंस लाया इसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन है। हम लोग चाहते हैं विरोध करें, अगर नहीं हो ये चालू हो जाएगा तो किसान का जमीन का कोई अधिकार नहीं रहेगा। पूंजीपति या कॉरपोरेट हाउस जहाँ चाहेगा अपने मनमाने दर में जमीन ले लेगा। तो इसी का हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि मनमानी जो ऑर्डिनेंस करके भूमि अध्यादेश ला करके इसको किया जा रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। साथ में कोयला का ऑर्डिनेंस आ रहा है, साथ में आपके लाइफ इंश्योरेंस का आ रहा है, तो हम लोग ये तीनों विनिवेश कम चाहते हैं पार्लियामेंट में करो। कोयला में अभी बोल दिया कि 12,000 करोड़ रुपया मिलेगा दो गो खदान या नाम झारखंड को बेचने में, सरकार बोला, मोदी जी बोला। हम पूछते हैं जब इतना पैसा मिल रहा है तो डीजल और पेट्रोल जो दुनिया में गिर रहा है दाम, तो धनबाद में और झारखंड में क्यों? निरसा प्रखंड अंतर्गत झिरका गांव के ग्रामीण पानी के लिए त्राही माम कर रहे हैं और निरसा के जनप्रतिनिधि सहित जिला प्रशासन को कोस रहे हैं। जहां एक तरफ प्रदूषण के खिलाफ सख्ती बरती जाती है, वहीं निरसा स्थित कुंवर बायो केमिकल उन सारे नियमों को ताक पर रखकर आदेश को नहीं मान रहा है और वायु प्रदूषण के साथ जल को भी दूषित कर रहा है। गौरतलब हो कि डीवीसी द्वारा एक चेक डैम का निर्माण किया गया है जिसकी लागत 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उस चेक डैम की सुविधा से ग्रामीण वंचित है। ग्रामीणों की माने तो हमेशा फैक्ट्री से केमिकल को चेक डैम में बहा दिया जाता है,
जिसकी वजह से नदी की मछलियां मर जाती है और ग्रामीण को तरह तरह के बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जिसकी शिकायत कई बार ग्रामीण ने जिला प्रशासन से की है। शिकायत करने पर भी जांच नहीं की जाती है, जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है और एक मोटी रकम लेकर हम गरीब ग्रामीणों को दरकिनार कर दिया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में चापाकल की भी सुविधा नहीं है, इस चेक डैम का पानी ही घरेलू कार्य में लिया जाता है। आइए जानते हैं ग्रामीणों का क्या कहना है। मैं सबको शिकायत किया है, पानी के चलते हम लोग नहा रहा है, पी रहा है, खा रहा है, इसके चलते हम लोग सबको शिकायत किया है, कोई सुनाओ नहीं, कोई कुछ इसका जवाब नहीं ले रहा है। क्या कारण है वो तो ऑफिस वाले लोग जानकारी है, हम लोग को तो जानकारी है नहीं, घूस का तो कोई जवाब नहीं है। घूस काज होचे नहीं, किछु लीचे हो रहा, क्या ले रहा है, पैसा ले रहा है, रुपया ले रहा है, और क्या ले रहा है, इसलिए सबको जानकारी और सब लोग जानकारी क्या बोलता है और चले जानकारी। उसके बाद क्या नाम था बोला, एक तो हट गया गोराई, मोनिता गोराई, उसको भी जानकारी है, जानकारी सबका बारे में है। ये हम लोग जितना सब आदमी को दिखाया है, कोई हम लोग को इंसाफी बोल के कोई चीज नहीं, आ रहा है, देख रहा है, जा रहा है, कोई इसका सुनवाओ नहीं है। पानी जितना केमिकल छोड़ रहा है, इसका कोई सुनवाओ नहीं है। शिकायत तो बहुत आदमी सबसे किया है, अभी ना हम लोग 3 साल से ही सब करवा रहा है शिकायत, ये शिकायत का सुनवाओ नहीं है। चलते चलते बफी से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने पेट्रोल डीजल की वृद्धि के विरोध में काला बिल्ला लगाकर किया झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। यदुवंशी समाज के लोगों ने अति पिछड़ा वर्ग में शामिल होने की मांग को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ बैठे एक दिवसीय धरने पे। बिजली की मांग को लेकर गोधर के ग्रामीणों ने बीसीसीएल के कांटा घर को किया घंटों जाम, हुआ ट्रांसपोर्टिंग ठप। और 80 हाईवा को ब्लैक लिस्टेड करने के विरोध में हाईवा मालिक एवं चालकों ने एमपीएल के मुख्य द्वार को किया जाम, हाईवा परिचालन हुआ ठप। आप भी अपने आसपास की किसी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक रोड, धनबाद। या आप हमें इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9335240 9835420599391486744। या आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9386302989। नई और ताजा खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।